शांति। आज की तारीख है 18/7/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा। हम बच्चों के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, बागवान, रत्नागर, सौदागर, गाइड और पंडा भी है, तो बाबा हमें पंडा बन करके मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं और रूहानी यात्रा करना सिखलाते हैं। तो पंडे जो होते हैं वो रास्ता बताते हैं। तो यहाँ भी मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का तुम्हें रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे। प्रश्न है, बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? उत्तर है, जो याद के साथ साथ बाप से पूरा पूरा ऑनेस्ट रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं है, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कोई भी पाप नहीं करते हैं, उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। कई बच्चे भूले करते रहते हैं, फिर कहते हैं क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा होती नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई है, पढ़ाई में बाबा कहते हैं क्षमा होती नहीं, हर एक के कर्म का हिसाब किताब है। गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। तीर्थों पर ही तो पंडे रास्ता दिखाते हैं या फिर तीर्थों पर ले जाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें। नंबर एक है, दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है। दृष्टि से कर्म ऐसा नहीं करना है, जैसे कोई ऐसे पोस्टर्स देखे, कोई ऐसी किताबें पढ़ ली या फिर कोई ऐसे दृश्य देख लिए जो नहीं देखने चाहिए, जिससे मन के अंदर विषय विकार के संकल्प उठे या देहधारियों की याद आए, तो बाबा कहते हैं दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है, अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। नंबर दो है, बाबा कहते हैं जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है, सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना है, सबको बाप का पैगाम देना है, थकना नहीं है। हाँ, सेवा बहुत करें, परंतु सेवा केंद्र पर यदि वो भाई बहने आते नहीं तो अंदर में दिल शिकस्त हो जाती है, तो बाबा कहते हैं दिल शिकस्त नहीं करनी है। वरदान है, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो, इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि ये स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। स्लोगन है, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव सरल रखो
और पुरुषार्थ में बार बार सदा से अटेंशन रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।